सीबीएसई पैटर्न जो है वो हमने फॉलो किया है। हमने सारे सेक्शन जितने भी इन्वॉल्व होते हैं उन सारों के सेपरेट क्वेश्चन डाले हैं जो अभी तक किसी भी पब्लिशर ने अपने बुक के अंदर पब्लिश नहीं किए हैं। तो आई थिंक ये हमारा एक की पॉइंट हो सकता है कि जितने भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे हमने इस बुक के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश डिप्टी सेल्स मैनेजर प्रदीप रेजा जी, डिप्टी सेल्स मैनेजर देव ज्योति बुक्स अशोक अरोड़ा जी, हमारे प्रोडक्शन मैनेजर और हमारे पूरे डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन की धुरी कहूँगा तो भी इसमें शक्ति नहीं होगी, श्री नवीन दत्ता जी, और साइंस डिपार्टमेंट से हमारे प्रोडक्शन मैनेजर संजय चौधरी जी, और देव ज्योति बुक्स के हमारे चिल्ड्रन बुक्स से प्रोडक्शन मैनेजर श्री अमित रेजा जी, और मैडम हमारे मंच पर विराजमान हैं। अब मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सभी इस बुक को विधिवत लॉन्च करेंगे। धन्यवाद। तो जेबीडी ग्रुप हमेशा बच्चों का ध्यान रखता है ताकि वो अपनी शिक्षा सुचारू रूप से आगे चला सकें, और टर्म वन के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहने वाला है सीबीएसई का, उसको लेकर जेबीडी ग्रुप की तरफ से ये सैंपल पेपर लॉन्च किए गए हैं, उसकी पूरी बुक लॉन्च की जा रही है। टेंथ के बच्चों के लिए भी है जो सीबीएसई से टेंथ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट हैं, कोर्स वन में हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसके लिए, साथ ही साथ इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसके लिए, साइंस का सब्जेक्ट है उसके लिए सैंपल पेपर लॉन्च किए गए हैं। वहीं अगर प्लस टू की बात की जाए तो फिजिक्स का पेपर जो सैंपल पेपर हैं वो लॉन्च किए गए हैं, इकोनॉमिक्स के पेपर लॉन्च किए गए हैं, मैथमेटिक्स का पेपर लॉन्च किया गया है, साथ ही साथ बिजनेस स्टडी का पेपर लॉन्च किया गया है, यानी कि आर्ट्स से लेकर कॉमर्स और कॉमर्स से लेकर जो जिन बच्चों ने साइंस स्ट्रीम ले रखी है उनके लिए सैंपल पेपर, सीबीएसई सैंपल पेपर यहां पर उसकी बुक लॉन्च की जा रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस बुक के माध्यम से बच्चे आसानी से जो आने वाला पेपर होगा उसको समझ पाएंगे, उसको सॉल्व करने में उन्हें आसानी होगी, क्योंकि उन्हें पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके से पेपर उन्होंने सॉल्व करना है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 4-in-1 ये बुक है। 4-in-1 का मतलब है कि आपको 5 इजी सैंपल पेपर भी मिलेंगे, साथ ही साथ 5 एवरेज सैंपल पेपर भी मिलेंगे, 2 डिफ़िकल्ट जो सैंपल पेपर है वो भी मिलने वाले हैं, साथ ही साथ 3 एनुअल सैंपल पेपर भी मिलने वाले हैं। यानी कि ये देखा जाएगा कि आप किस तरीके से जो मुश्किल प्रश्न है उसको सॉल्व कर पाते हैं, किस तरीके से आसान प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं, और थोड़े ही दिनों में ये जो बुक है वो आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी, आप आसानी से जाकर खरीद सकते हैं। यानी कि आपको पैटर्न पता चल जाएगा टर्म वन का जो सीबीएसई इस बार लेकर आया है कि आपका जो आने वाला एग्जाम है वो किस तरीके का रहने वाला है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट जो है वो हमारा थर्ड सेशन है, दैट कंप्राइज ऑफ सीबीक्यूज। बेसिकली सीबीक्यूज जो है दैट इज केस बेस्ड क्वेश्चन। अब केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर सीबीएसई ने जब सैंपल पेपर लॉन्च किया तो वहां पर 2-3 टाइप के क्वेश्चंस इन्वॉल्व कर दिए। पहले तो सिंपल उन्होंने कहा कि आपके केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, एक केस होगा, देन उसके बाद आपके 3-4 अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट उन्होंने सेग्रीगेट किया, किसी में 3 क्वेश्चन है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 6 भी पूछे हैं, अकॉर्डिंगली आपका आएगा। केस बेस्ड क्वेश्चन भी डाले हैं, डाटा बेस्ड क्वेश्चन भी डाले हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी डाले हैं, एंड ऑफकोर्स मैथ बेस्ड क्वेश्चन भी डाले हैं। हमारे सैंपल पेपर के अंदर आपको ये सारे जो क्वेश्चन है ये सब मिलेगा। तो हमारा जो इसके अंदर की फीचर है, हम बात कर सकते हैं एवरेजली हमारे सैंपल पेपर के अंदर जो केस स्टडी है, नंबर ऑफ केस स्टडी वो मोर देन है आप जो आपके अंदर पब्लिशर है। अगर उन्होंने 3 लिया है तो हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 5 रखे हैं केस स्टडी के। इसके अलावा डाटा बेस क्वेश्चन है, मैथ बुक है, वो हमने वहाँ पर सेपरेटली मेंशन किया है। दे आर टोटली बेस्ड ऑन सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। हमने जो सोर्सेज भी लिए हैं वो भी हमारे एनसीईआरटी की बुक में से ही हैं। एंड वी हैव मेंशन देयर दैट दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम देयर। और अगर हमने कुछ डेटा बेस क्वेश्चंस लिए हैं, लाइक अगर मैं बात करती हूँ ज्योग्राफी में पॉपुलेशन टॉपिक कवर्ड है, तो वी हैव टेकन द पॉपुलेशन और वी हैव कंसीडर्ड द लेटेस्ट सेंसस डेटा। तो हमने उन चीजों को भी इंक्लूड किया जिससे बच्चों को एक फॉरन नॉलेज हो
जब भी कोई नया पैटर्न आता है तो फिर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जब होता है तो वहाँ पर बच्चों को लगता है कि ये तो शायद हमने पढ़ा ही नहीं था, इस तरह की का पैटर्न तो हमने शायद देखा ही नहीं था। और कोरोना के चलते सीबीएसई ने दो टर्म बना दिए हैं, एक टर्म वन है और एक टर्म टू है। टर्म वन में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा और टर्म टू में सब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। और जेबीडी ग्रुप हमेशा बच्चों के लिए बुक्स निकालता रहता है और बच्चों को आसानी से उन्हें पेपर के दौरान परेशानी ना हो, इस बात का जेबीडी ग्रुप की तरफ से हमेशा ध्यान रखा जाता है। इस बार टर्म वन के जो सैंपल पेपर हैं, सीबीएसई सैंपल पेपर, वो उसकी बुक लॉन्च की है जेबीडी ग्रुप ने। आप देख सकते हैं ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स के सैंपल पेपर्स हैं। इसके अंदर 4-in-1 रहने वाले हैं, यानी कि जो डिफिकल्ट सैंपल पेपर है वो भी रहने वाले हैं, इजी सैंपल पेपर भी रहने वाले हैं, एवरेज सैंपल पेपर भी रहने वाले हैं। और इसी तरीके से बिजनेस स्टडी की बात की जाए, अकाउंट्स की बात की जाए, उनकी भी बुक मार्केट के अंदर उपलब्ध रहेगी। चाहे बच्चा साइंस स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है, उनकी बुक्स भी मार्केट में उपलब्ध रहेगी। अगर बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है तो उनकी बुक्स भी मार्केट में उपलब्ध होगी। ये सिर्फ प्लस टू के बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि 10th के जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनके लिए भी इस तरीके की बुक लॉन्च की गई है, ताकि उन्हें परेशानी ना हो एग्जाम देते हुए। हमारे साथ कॉमर्स हेड हैं, यानी कि जो कॉमर्स सब्जेक्ट को लीड करते हैं जेबीडी ग्रुप में, मैम। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन बातों का ध्यान रखा गया है ये बुक लॉन्च करते वक्त? ये बुक लॉन्च करते वक्त हमने ये चीज इसके अंदर जो मेन इंक्लूड किया है वो हमारा है कि जो हमारा सीबीएसई का एक पैटर्न होता है, मेनली वो यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं 3 मेन टाइप ऑफ सेक्शंस। नॉलेज बेस्ड होता है उनका, कंपटेंसी बेस्ड होता है, एंड थर्ड जो होता है वो आपका एनालिटिकल बेस्ड होता है। तो हमने अपने सैम्पल पेपर में तीनों कैटेगरी को इक्वली इम्पोर्टेंस दिया है, उसके अंदर तीनों चीज़ जो हैं वो हमने सेग्रीगेट किया है। अगर मैं बात करूँ हमारे सेक्शन वन की, तो इसमें हमने सिंपल MCQs रखे हैं। जो हमारा सेक्शन टू है वो हमारा मल्टीपल MCQs का रहेगा, जिसको हमने फर्दर सेग्रीगेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ कि मल्टीपल सिलेक्शन टाइप क्वेश्चन होगा आपका, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन होगा, अजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होगा, सीक्वेंसिंग क्वेश्चन होगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा। एंड जो हमारा थर्ड सेक्शन होगा वो एनालिटिकल बेस्ड होता है, जिसके अंदर हमने इन्वॉल्व किया है केस बेस्ड स्टडी है, हमारे डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। आई डोंट नो कि जो फाइनल एग्ज़ाम आएगा उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, बट हमारी तरफ से हमने कोशिश ये की है कि हर टाइप का मैटर जो है वो बच्चे को अवेलेबल होना चाहिए। इसके अंदर जो हमने मेंशन किया है, जो इसके अंदर हमने दिया है, स्टार्ट हमारा हुआ है एक बच्चे को थोड़ा सा उसका कन्फ्यूज़न जो है उसको ख़त्म करने से रिलेटेड। अब बेसिकली हम बच्चे का कन्फ्यूज़न ख़त्म कैसे कर सकते हैं, उसको एक स्ट्रेटेजी बताकर कि आप अपनी जो स्टडी है वो किस तरीके से स्टार्ट करें। तो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर एक ट्रम्प कार्ड फॉर द सक्सेस के नाम से एक पूरा एक प्रोसेस दिया है, जिसके अंदर हमने बच्चे को मोटिवेट किया है कि आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, सो दैट कि वो आप जो आपके गुड मार्क्स है वो आप आगे जाकर स्कोर कर सकें। सेम एज फिर हमारा सब्जेक्ट मटेरियल है, और उसके बाद हमारे इसके अंदर 5 सैम्पल पेपर हैं जो बच्चे को अकॉर्डिंगली हमने सीबीएसई पैटर्न फॉलो किया है। जो भी हमारा सीबीएसई सैम्पल पेपर आया था उसको फॉलो करके हमने इजी टू डिफ़िकल्ट लेवल लिया है। वी डोंट नो कि हमारा जो पेपर आने वाला है वो ईजी आएगा, एवरेज लेवल का आएगा या डिफ़िकल्ट लेवल का आएगा। तो हमने तीनों लेवल के एक पेपर जो है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मॉक टेस्ट जो है वो हमने प्रिपेयर किया है, सो दैट स्टूडेंट अकॉर्डिंगली उस सारे को पढ़े, प्रिपेयर करे और अपने जो गुड मार्क्स हैं वो स्कोर करें। इसके अलावा हमने अपने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर हमारा 15+1 दैट मीन्स 16 प्रैक्टिस पेपर जो है वो अवेलेबल होंगे, एंड मोर ओवर वो हमारा एक क्विज की फॉर्म में होगा। तो बच्चा, हम सबको पता है अराउंड लास्ट 1.5 साल 2 साल से हर एक बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है, हाथ में हमेशा मोबाइल फ़ोन रहता है, कहीं ना कहीं हमारी हैबिट बन गई है मोबाइल फ़ोन से प्ले करने की। तो अच्छी बात है मोबाइल फ़ोन रखो अपने पास, बट उसको किसी गलत वे में ना यूज़ करके आप एक MCQ प्ले करो। 90 मिनट का आपका MCQ आएगा, उसके अंदर आपको जितने आपके क्वेश्चन आने हैं
जितने आपके सीबीएसई सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आने हैं, हर एक सब्जेक्ट का अलग नंबरिंग है। लाइक अगर मैं बिजनेस स्टडी की बात करूँ तो 60 हैं, इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो 60 है, तो उसके अंदर आपको 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं इन 90 मिनट। 90 मिनट बाद वो अपने आप ही आपका लॉग आउट हो जाएगा और आपको अपना रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं बच्चे को बहुत हेल्प करेगा उसको अपने मार्क्स जो है वो स्कोर करने में। हमारे साथ जो मैम प्रोडक्शन लीड करती हैं वो भी मौजूद है। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों को काफ़ी आसानी होगी क्योंकि जब पेपर देने के लिए जाते हैं तो ये परेशानी बनी रहती है कि टाइम बचा है या नहीं बचा, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं या नहीं रह गए हैं। तो जब सैंपल पेपर वो सॉल्व कर लेंगे तो उन्हें ये क्लियर हो जाएगा कि हमारी टाइम स्पीड क्या है, हम किस तरीके से पेपर दे रहे हैं। वेरी मच एग्जैक्टली, ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए क्योंकि जो गाइडलाइन सीबीएसई ने दी है, लाइक फर्स्ट टर्म जो पेपर आएगा, जो टर्म वन आएगा, दैट विल बी कम्प्लीटेड इन 90 मिनट्स। उसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा सर, दैट इज़ 90 मिनट्स ओनली। तो एक बच्चे की स्पीड उतनी फास्ट होनी चाहिए, उसकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी जो हमारा जो सेक्शन भी दर्शाता है कि दो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो स्किल्स क्वेश्चन होंगे वो उसी के हिसाब से उसको सॉल्व करेगा, उसको कितना टाइम लगाना है। और द थिंग इज़ दैट कि वी हैव मैंशनड इट इन टू द फिफ्थ पेज नंबर ऑफ द बुक एज वेल, द सैम्पल पेपर एज वेल, कि आपको ये देखना है हाउ मच टाइम यू हैव टू यूटिलाइज ऑन वन क्वेश्चन। जो हमारे जो बुक जो प्रॉपर पैटर्न या जो टाइपोलॉजी प्रेजेंट करती है वो ये है कि सेक्शन ए में सिंपल क्वेश्चंस हैं, सेक्शन बी में थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स बेस पे ही बच्चे को टाइम लगता है और उसी पे ही उसको ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड और उसको मेंटली अपने आप को कैसे उस टाइम के लिए प्रिपेयर करना है। तो ये जो 16 क्वेश्चन हैं, 15+1 जो पेपर है, ये उसे ये अपने आप को जज करने में हेल्प करेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कौन कौन सी मतलब सब्जेक्ट के आपने पेपर लॉन्च कर दिए हैं, सैंपल पेपर जो हैं, और मार्केट में कब तक ये उपलब्ध हो जाएंगे? सर, इट विल बी अवेलेबल इन द मार्केट वेरी सून। टिल नाउ वी हैव लॉन्च्ड आर मैथमेटिक्स ऑफ 12th एंड फिजिक्स है हमारे पास। इस वक्त वी हैव लॉन्च द टू स्ट्रीम्स ऑफ कॉमर्स एज वेल, द बिजनेस स्टडीज एंड द इकोनॉमिक्स, एंड द आर्ट स्ट्रीम इज अंडर द प्रोसेस। इट विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। मदद तो मिलने वाली है, जाहिर सी बात है, चाहे वो 10th का बच्चा हो या प्लस 2 का बच्चा हो, क्योंकि मॉक टेस्ट इसके अंदर है, यानी कि सोल्व आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे और अनसोल्व क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में और कितने पानी में नहीं है जब आप उसको सॉल्व करेंगे। यानी कि जब आपका एग्जाम होगा टर्म वन का, तो आपको सारा पैटर्न पता होगा कि आपको कितने मिनट किस क्वेश्चन पर देने हैं और उसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स चाहे 10th के हो या फिर हो 12th के, जब भी एग्जाम्स आने वाले हो तो स्टूडेंट्स को एक आइडिया जरूर चाहिए होता है कि सारा साल हमने जो पढ़ा है लेकिन एग्जाम जो है किस तरह से आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है, एक आइडिया चाहिए होता है। सैंपल पेपर जो एक बच्चों के लिए बहुत अच्छी साबित होती है, उससे ही आइडिया मिलता है और बच्चों के जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। तो जेबीडी ग्रुप लेकर आया है सीबीएसई सैंपल पेपर्स जो उन्होंने अभी लॉन्च की है कुछ दिन पहले ही, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स के आप लोगों को यहाँ पर सैंपल पेपर्स मिलने वाले हैं, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड के हो या फिर 12th स्टैंडर्ड के हो। सब्जेक्ट्स इस वक्त आप देख ही सकते होंगे तस्वीरों में, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी, हर तरह के सब्जेक्ट्स आपको जेबीडी ग्रुप यहाँ पर अवेलेबल करवा रही है सीबीएसई सैंपल पेपर्स। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मैम मौजूद हैं, संगीता भयाना मैम, जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल से हैं, हिंदी टीचर हैं और साथ ही साथ 21 इयर्स का उनको एक्सपीरियंस है और इन्होंने जो हिंदी का सीबीएसई सैंपल पेपर है वो भी लिखा है। तो उनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स, की पॉइंट्स ध्यान में रखे गए बच्चों को देखते हुए और किस तरह से इस सैंपल पेपर को तैयार किया गया। तो हेलो मैम, और Hello. बच्चों को बहुत एक दिक्कत रहती है जब भी एग्जाम्स आने वाले होते हैं, एक आइडिया जरूर चाहिए होते हैं और सैंपल पेपर्स बहुत काम आते हैं बच्चों के, तो आपने हिंदी का जो सैंपल पेपर लिखा है तो क्या क्या एक की पॉइंट्स ध्यान में रखे गए कि बच्चों को जो आगे काम आएंगे? हाँ, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लास 12th का जो हिंदी का सैंपल पेपर है, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा, मतलब आप ये लगा सकते हो कि इस सैंपल पेपर को अगर आपने अच्छे से थॉरली स्टडी कर लिया तो आप 100 out of 100 मार्क्स लेने में सक्षम रहेंगे। तो ये जो CBSE का सैंपल पेपर है हमारा हिंदी का, जो दीपक के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल रहेगा, JBD के ग्रुप की तरफ से है, इसे लिखा है टोटली CBSE पैटर्न से के आधार पर। बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि CBSE ने इस बार जो पेपर का पैटर्न रखा है वो टर्म वन और टर्म टू के हिसाब से रखा है, जिसमें जो मुश्किल आपको आएगी, जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है टर्म वन में, एक तो सबसे पहली बात है कि आप लगभग 1.5 साल से घर बैठे हैं, आपने ऑनलाइन परीक्षा दी है
ऑनलाइन परीक्षा देने के बाद आपको भी पता है कि कितनी तैयारी आप लोग इस साल कर रहे हैं, आपको काफ़ी कठिनाई आ रही है। जो हम डेली ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे स्कूल में आते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं इस चीज़ को कि बच्चों का पढ़ाई से थोड़ा सा मन छूट गया है, थोड़ा हट गया है, लेकिन धीरे 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 वापस वो अपने उसी सिनेरियो में आना शुरू हो गए हैं। फिर से उनको लगने लगा नहीं, पढ़ाई की एक वैल्यू उनको समझ में आ रही है कि पढ़ के ही मार्क्स लेने हैं। रिजल्ट पिछली बार भी आया है बच्चों का, लेकिन वो बच्चों को पता है कि रिजल्ट हमारा किस तरीके से आया है। अब टर्म वन में हमारा जो पेपर है टोटली ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे वो क्लास टेंथ है चाहे वो क्लास ट्वेल्थ है, तो सारा हमारा टोटली एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। तो एमसीक्यू बेस्ड मतलब बहुविकल्पी है जो आपके प्रश्न है, जिसमें आपके चार चार क्वेश्चन आपके रहेंगे, चार ऑप्शन रहेंगे, उन चारों में से आपने जो ठीक उत्तर है उसको आपने चूज़ करना है। तो यहाँ बच्चों को क्या दिक्कत आती है, जब बच्चे आंसर चूज़ करने लगते हैं, कोई दो आंसर बहुत क्लोज होते हैं उसमें वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और नंबर कटते चले जाते हैं, एक एक करके नंबर कटता है, जिसके वापस आने का कोई स्कोप नहीं रहता। तो इसलिए जो भी CBSE का हमारा पैटर्न है, जो भी लेटेस्ट पैटर्न जो हमारे को गाइडलाइंस मिली है CBSE की तरफ से, उसको हमने इस सैम्पल पेपर में देने की कोशिश की है। अब हिंदी का सैम्पल पेपर है, उसमें हमारे आपठित गद्यांश हैं, आपठित काव्यांश हैं, MCQ बेस्ड टोटली। बच्चे इसमें से जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद बच्चों को ऐसे लगेगा कि हमारी तैयारी 101% तैयारी है हमारी। और जो CBSE की गाइडलाइंस के हिसाब से कि कितने शब्दों का हमारा गद्यांश होना चाहिए, कितने शब्दों का हमारा पद्यांश होना चाहिए, ये सब इस सैम्पल पेपर में हमने दिया है। और सबसे जो मेन बात है, CBSE ने इस वक्त क्या किया है, रीजनिंग और एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन डाले हैं, जो बच्चों के लिए थोड़े से तार्किक लेवल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि लॉजिकल आंसर दो। अब हर किसी का माइंड लॉजिकल नहीं होता, बच्चे कुछ बच्चे क्रैम करने वाले होते हैं, कुछ लॉजिकल माइंड से चलते हैं। तो इसमें जो प्रैक्टिस करवाई गई है हमने सैम्पल पेपर में, उसी आधार पर कराई है। और जो इसका सबसे प्लस पॉइंट है, जितने भी चैप्टर्स हमारे टर्म वन में आने हैं, चाहे हमारा ये हिंदी का है या हिस्ट्री सब्जेक्ट है या सोशल साइंस है, जो भी हमारा पोल साइंस है, हर सब्जेक्ट में दीपक सैंपल पेपर जो JBD ग्रुप वालों ने किया है, इन्होंने क्या किया है कि पहले चैप्टर वाइज लगभग 40-50 क्वेश्चंस दिए हैं कि बच्चा पहले चैप्टर वाइज उन पेपर अपने चैप्टर की तैयारी करे। आफ्टर दैट हर चैप्टर की तैयारी के बाद लास्ट में जो हमारे को ये सैंपल क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं, जो लगभग 10-11 सैंपल पेपर इसमें हैं, ताकि बच्चा अपने आप को आइडेंटिफाई कर सके, एनालिसिस कर सके कि मेरी कितनी तैयारी है। इस चीज़ को हमने इस सैंपल पेपर में रखा है। और लैंग्वेज भी इतनी इस तरह से रखी है कि जो CBSE जो क्वेश्चन पेपर आता है हमारा बोर्ड का, उस पर बेस रखी है, क्योंकि पिछले 20-21 सालों से हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, हम लोगों को भी पता होता है कि बच्चे आंसर शीट में क्या लिखते हैं, पेपर भी हम चेक करते हैं, उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कि बच्चों का लेवल कैसा है। उसको ध्यान में रखकर हमने इस चीज़ को पूरा ध्यान रखा है इस चीज़ का कि वो सारी चीज़ें हम इस सैम्पल पेपर में इसमें दें, और साथ ही साथ हमने आंसर की भी बच्चों को दी है ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। और सबसे मेन बात इसमें क्या है, ये देखिए आप, कंटेंट्स में सारा आपका जो हमारा खंड ख जो हमारा रीडिंग सेक्शन आएगा, उसके बाद ग्रामर पोर्शन है क्लास टेंथ में, और हमारा लिटरेचर और जो हमारी पोइट्री है, ये सब हमारा उसमें दिया है। आई होप आप लोग ये जो नीचे सैम्पल पेपर है, सैम्पल पेपर जब आप करेंगे CBSE बेस्ड, उसमें हमारा काफ़ी इजी कंसेप्ट उसमें रहा है, और इजी कंसेप्ट करने से आप लोगों को काफ़ी तैयारी हो जाएगी। और जब आप लोग इसकी तैयारी करेंगे तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि बच्चे 100% अच्छे मार्क्स, और टर्म वन के रिजल्ट से बच्चों को अपना टर्म टू का रिजल्ट पता चला जाएगा। मान लो एक बच्चे का 40 में से 38 मार्क्स आते हैं तो सब्जेक्टिव पेपर बच्चा कर जाता है, ऑब्जेक्टिव में दिक्कत आती है, तो बच्चा अपना एक रिजल्ट तैयार कर सकता है कि मेरा मार्च के पेपर में क्या रिजल्ट रहेगा। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि बच्चे मार्केट में अवेलेबल हैं, मैं पूरी मतलब मेरी एक दिली एक ख्वाहिश है कि आप इसको एक बार जरूर लें और उसकी प्रैक्टिस करें। आप ये मत देखें कि मार्केट में दूसरे सैंपल पेपर्स भी आए हुए हैं, मैंने उनको भी रिव्यू किया है, मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है, वो भी बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन अगर आप एक बार इसको कंपैरिजन करेंगे तो आपको अपने आप ही चेंज नज़र आएगा, आपको फ़र्क दिखेगा कि इसमें क्या है और हमने इसमें क्या पाया है। वाकई आप अपने आप को बाद में थैंक्स बोलेंगे कि हमने एक अच्छी चीज़ हाथ में उठाई है। तो मैं आपके अच्छे फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट विशेस देती हूँ, और आपके लिए एक उम्मीद लगाती हूँ कि आप सब बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे और अपने माता पिता का स्कूल का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो सोच रहे थे एग्जाम्स आने वाले, एग्जाम्स में कौन से सैंपल पेपर चूज करें, तो आपके पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन है JBD ग्रुप का दीपक सैंपल पेपर, जिसमें आपको पैटर्न पूरा कंप्लीट मिल रहा है CBSE की तरफ से जो भी है, और कंटेंट भी काफ़ी ईजी मिल रहा है। तो आप लोग इसको खरीदने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप मार्केट से ये खरीद सकते हैं। मैम कुछ और भी कहना चाहते हैं, जानेंगे उनसे कि क्या वो स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहती हैं। बच्चों एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, इस सैंपल पेपर में जो मेन आपकी बात है, जो अट्रैक्शन है सैंपल पेपर का, आप देखिए यहाँ पर पहले जो आपका सैंपल पेपर है वो इजी कॉन्सेप्ट है। वो जो देखो पेपर भी जो CBSE का बनता है उसमें क्या होता है, 35% होता है आपका इजी,
35 आपका एवरेज और 35 आपका डिफिकल्टी लेवल होता है, उसी को ध्यान में रखकर हमने इजी कंसेप्ट के आपके सैंपल पेपर बनाए हैं, उसके बाद आपका एवरेज कंसेप्ट है, आफ्टर दैट डिफिकल्टी लेवल है और एनुअल एग्जाम जो आपका आना है, ये हर चीज़ इसके अंदर है। मैंने कम से कम 10 सैंपल पेपर तो मैं भी देख चुकी हूँ, उसमें जो मुझे ये बेस्ट लगा है। तो आप एक बार आप इसको पढ़ेंगे, आपकी परीक्षा की तैयारी इतनी अच्छी होगी कि आपको अपने आप ही लगेगा कि हाँ हमने एक राइट एक अपना एक रास्ता चुना है। थैंक यू। तो बहुत से प्रैक्टिस पेपर्स इसमें आपको सभी मिल रहे हैं, आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्ज़ाम्स की। तो आप लोग चूज़ कर सकते हैं JBDee ग्रुप का दीपक CBSE सैंपल्स। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।